हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है टुडे वी आर गोइंग टू सी सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द इनवर्स टिग्नोमेट्री लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन बाय एक्स विच इज रेसिप्रोकल ऑफ एक्स प्रॉपर्टी ओके सो हाउ वी कैन कन्वर्ट रेसिप्रोकल टर्म इन टू द डायरेक्ट एक्स फॉर्म सपोज वी हैव सम फॉर्मुला दैट वी नीड टू डिफाइन एवर ईयर we just need to remember this all properties ok suppose we have sin inverse 1 by x then we can write cos inverse cos x cos x inverse x or suppose we have written uh, cos x inverse 1 by x then we should have to write sin inverse x ok it's like a uh, sin theta is equal to 1 by cos x theta or something like this and uh, based on this one only we can prove this one suppose if you want to prove this we can use this particular formula, but here we do not need to uh, prove it, we just need to remember it. Right? Suppose, uh, we have one question like this, cosec inverse say 2 by root 3, then earlier in our exercise 2.1, we have already solved that, this is also equal to sine inverse root 3 by 2, reciprocal of this one, if we convert cosec inverse into sine inverse. And now, if you want to find sine inverse root 3 by 2, then we can in, we can easily say that the answer is 5 by 3. Right? एंड वी हैव सोल्ड मेनी क्वेश्चन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ओनली बट मैंने ऐसे लिखा नहीं था मैंने डायरेक्टली ऐसा बोल दिया था कि टू बाई रूट थ्री है कौसे क्यूनवर्स में तो साइन यूनवर्स में रूट थ्री बाई टू होगा एंड उसका आंसर साइन यूनवर्स में रूट थ्री बाई टू होगा तो उसका आंसर बाई बाई थ्री होगा सो वी हैव डायरेक्टली गिवन द आंसर इन दिस फॉम डायरेक्टली सो एक्चुअली वी हैव यूज ओवर दैर दिस प्रॉपर्टी है ना हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की थी वहाँ पर ओके सो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी वैसे तो बहुत टफ नहीं है इजिली याद रह जाएगी क्योंकि साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे सिमिलरली कॉस इनवर्स एंड सेक इनवर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे मतलब अगर कॉस इनवर्स में वन बाय एक्स है तो यू कैन इजिली राइट इट एज अ सेक इनवर्स ऑफ एक्स इफ यू वॉन्ट एंड सपोज दे हैव रिटर्न सेक इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स फॉर्म देन वी कैन कन्वर्ट इट इंटू द फॉर्म ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ओके एंड ओवर देर द वैल्यू ऑफ एक्स इज वॉट हमको ये वैल्यू ऑफ एक्स पता होनी चाहिए एक्स की वैल्यू क्या होगी तो यहां पे एक्स क्या होगा एक्स बिलोंग्स टू वो एक्स ऐसा क्यों क्योंकि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे तो फिर आंसर मिलेगा मुझे एक्स मतलब डोमेन तो यहां पर का डोमेन क्या होगा कौशे एक्स है ना एक्स की वैल्यू में ये सब कुछ रखूंगा ना इसमें से रखूंगा तो ही मुझे कौशे एक्स में कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा एंड दैट कैन बी इक्वल टू दिस वन है ना सपोज मैं एक्स इक्वल टू माइनस वन से वन के बीच में कोई वैल्यू ले लू तो एक्स इक्वल टू माइनस वन से वन के बीच में समझ लो मैंने जीरो पॉइंट फाइव या जीरो ही ले लिया चलो तो कौ सेक इनवर्स जीरो डजेंट एनी वैल्यू अल्टीमेटली कॉ सेक इनवर्स जीरो या फिर यहाँ पे वन बाई जीरो करोगे तो इन्फाइनिट साइन इनवर्स इनफाइनिट ऑल्सो डजेंट हैव एनी वैल्यू साइन इनवर्स के अंदर भी अगर यहाँ पे इन्फाइनिट रखेंगे देन इट डजेंट हैव एनी वैल्यू इट कैन नॉट बी गिव एनी काइंड ऑफ आंसर है ना क्योंकि साइन इनवर्स में भी अगर हम सोचे तो साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइन होता है जब एक्स बिलोंग्स टू तो माइनस वन से वन के बीच में होता है तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन ये है है ना सिमिलर ये सेकंड फार्मूला में भी हम अगर लिखना चाहें तो एक्स क्या लिख सकते हैं तो एक्स अगर साइन इनवर्स डिफाइन हो वैसा लिखना है तो साइन इनवर्स कब डिफाइन होता है माइनस वन से वन के बीच में क्योंकि माइनस वन टू वन इज़ द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे कौशिक इनवर्स एक्स का डोमेन ये है ठीक है कौशिक इनवर्स एक्स का डोमेन ये है हमने अगले वाले लेक्चर में ही देखा था एक बार मैं टेबल दिखा देता हूँ याद हो तो या फिर ये टेबल देख के याद आ जाएगा कि डोमेन क्या है वन से वन साइन मतलब की वैल्यू इसी में से ले सकते हैं माइनस वन, वन, मतलब वन, वन से छोटी दैट इज वॉट वी ओवर देयर ओके सो ये पर्टिकुलर डोमेन का एक्स जो है वो भी खास याद रखना है क्योंकि ट्विस्टेड क्वेश्चन होता है ना ट्विस्टेड क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं होता वो फॉर्मूला इतना याद रखा उसका मतलब है आपने अधूरा नॉलेज रखा है यू शुड हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ना कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए याद रखने में और सब कुछ समझने मतलब सब कुछ हमारे माइंड के अंदर अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना चाहिए ठीक है सपोज हमको यहाँ पे लिखना है तो एक्स क्या लिख सकते वो यहाँ पे तो एक्स तो मुझे ये वाला एक्स डिफाइन हो वाला एक्स लिख सकता हूँ तो अब सेकिन इनवर्स एक्स क्या कहाँ पर डिफाइन होता है अभी तो कोस इनोस एक्स जहाँ पर डिफाइन होता है वहीं पर सेकिनवोस एक्स डिफाइन होता है विच इज माइनस इन्फाइन टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फाइनाइट खत्म और कॉस इनस एक्स कब डिफाइन होगा कोस इनवर्स एक्स डिफाइन होगा माइनस वन से वन के बीच में ठीक है ओके अब बचा क्या टेन इनवर्स वाला है ना सो लेट्स टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स नहीं चलो वन बाय एक्स है ना हम वन बाय एक्स के फॉर्म से कन्वर्ट कर रहे तो फिर वन बाय एक्स फोर्ट इनवर्स एक्स ओके अब थोड़ा बहुत याद हो तो जैसे सब फोर्स्ट को, इनवर्स एंड सेक इनवर्स दोनों के आंसर पॉजिटिव में पॉजिटिव रहेंगे तो इक्वल आएंगे नेगेटिव में दोनों के आंसर नेगेटिव रहेंगे बराबर तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा आ, चलो उसके अंदर डिटेल में नहीं जाते इसके अंदर ही डायरेक्ट डिटेल में जाते हैं यहाँ पे x में क्या लिखूँ तो एक्चुअल में मुझे x यहाँ पे बिलोंग्स टू R लिखना चाहिए क्योंकि इनवर्स कौट, x कब डिफाइन होता है R के लिए सभी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा इसका डोमेन R है सिमिलरली टेन इनवर्स x का भी डोमेन R है ठीक है बट दिस टू थिंग्स आर नॉट इक्वल फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R है ना सभी के लिए इक्वल नहीं होगा उसका रीजन है दिखाता हूँ चलो उसका रीजन पहले मैं इसके टुकड़े बना देता हूँ एक्स बिलोंग्स टू आर के दो टुकड़े बना देता हूँ एक एक्स ग्रेटर देन जीरो ठीक है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आर हो गया ओके अब ग्रेटर देन जीरो के लिए यहां पे सोचो चलो यूनिट सर्कल हो गया एक्स की वैल्यू में कोई भी ले लू सपोज से एक्स की वैल्यू में वन ले लू यहां पे कॉट इनवर्स वन तो कॉट इनवर्स वन का आंसर क्या होगा फाइव बाई फोर एंड टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू वन ले ली ना तो वन बाय वन इज ऑल्सो इक्वल टू फाइव बाई फोर तो ये दोनों इक्वल आ गया मतलब एक्स अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो सकती है चलो एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेता हूँ साथ में से कोई बंदा बोलेगा सर एक्स इक्वल टू आ, रूट वन बाई रूट थ्री ले, ले लेते हैं तो वन बाई रूट थ्री लेने पे कोट इनवर्स वन बाई रूट थ्री का आंसर पाए बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स की जगह वन बाई रूट थ्री लेने पे टेन इनवर्स ये रूट थ्री हो जाएगा है ना एक्स की जगह वन बाई रूट थ्री जस्ट रिप्लेस एक्स विथ वन बाय थ्री रूट थ्री विल बिकम न्यूमरेटर है ना डिनोमीटर का डिनोमीटर हो जाएगा न्यूमरेटर टेन इनवर्स रूट थ्री बिकम फाय थ्री दोनों अगेन इक्वल है देखो सी एल एच एस में सोचो टेन इनवर्स ऑफ वन बाय थ्री नेगेटिव में आएगा अब ये तो पता है हमको कि नेगेटिव टेन इनवर्स में बाहर निकल जाता है सो माइनस टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री एंड टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री का आंसर क्या है क्या आएगा फाइव बाई स आर एच एस में देखने जाए तो आर एच एस में क्या है ना एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री यहाँ पे रखे तो क्या बनेगा देखो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव होगा तो क्या होगा पाए माइनस हो जाता है पाए माइनस कॉर्ट इनवर्स रूट थ्री सो आंसर विकम वॉट आंसर क्या बन गया भाई पाई माइनस कोट इनवर्स रूट थ्री डेट इज फाइव बाई सिक्स है ना सो पाई माइनस फाई बाई सिक्स विच इज फाइव पाई बाई सिक्स तो आपने ये नोट इसकी चीज ये दोनों का आंसर तो इक्वल नहीं है है ना यहां पे क्या फर्क पड़ा देखो यहां पे टेन इनवर्स का आंसर यहाँ पे बना माइनस फाइव बाई सिक्स एग्जेक्टली यहां पे बना माइनस फाइव बाई सिक्स एंड कोट इनवर्स का आंसर कहाँ पे बना सेकंड क्वार्टर में फाइव पाई बाई सिक्स यहां पे है ना थोड़ा बहुत याद करवा लो अगर समझ में आए तो कोट का आंसर हमेशा ही जीरो से पाई के बीच में रहता है कोट की रेंज मैंने बताई थी जीरो से पाई के बीच में एंड टेन इनवर्स का आंसर हमेशा ही माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में रहेगा उसकी रेंज ये है इसीलिए ये पर्टिकुलर वैल्यू एक्स इक्वल टू तो माइनस रूट थ्री के लिए ये दोनों इक्वल नहीं आए क्योंकि एक्स अगर नेगेटिव रहता है तो ये तो नेगेटिव आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में देगा और ये नेगेटिव आंसर फोर्थ क्वार्डर में देगा सो दैट्स वाई वी डू नॉट हैव सिमिलर आंसर इन बोथ द केस तो अब ये फॉर्मूला इक्वल नहीं है एक्स लेस देन जीरो के लिए दोनों इक्वल नहीं है तो फिर इक्वल नहीं है तो क्या होगा कुछ रिलेशन बन सकता है क्या तो हाँ ये कोट इनवर्स एक्स में अगर मैं पाई सब्ट्रैक करवा लूँ इसके आंसर में मैं पाई सब्ट्रैक करवा दूँ माइनस पाई कर दू तो ये बन जाएगा ना माइनस आ बाई सिक्स मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस इसका आंसर माइनस आ बाई सिक्स आया इक्वल टू यहाँ पे कोट इनवस वन बाय कोर्ट इनवस एक्स का आंसर फाइव पा बाई सिक्स आया उसमें मैं पाई सब्ट्रैक्ट करवा लू फाइव पाई बाई सिक्स में माइनस पाई कर दो तो यह बन जाएगा ना दैट इज माइनस फाइव बाई सो फाइव बाई सिक्स माइनस फाइव इक्वल टू माइनस फाइव बाई सी गेट दिस वन सो अल्टीमेटली अल्टीमेटली फाइव पाई बाई सिक्स माइनस फाइव मतलब कोट इनवस एक्स माइनस पाई cot inverse x π है ना ये cot inverse x का आंसर था उसमें से मैंने π सबट्रैक्ट किया देन आई गॉट tan inverse 1 by x सो द रिलेशन इज व्हाट सो बाय दिस वे वी कैन इजीली प्रूव दिस वन ओके ये ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए है ना तो सिमिलरली जैसे ये tan inverse में से मैंने cot inverse में कन्वर्ट किया वैसे ही cot inverse में से अगर tan inverse में जाना है तो उसका फार्मूला लिख लेता हूँ चलो मैं तो ये हो गया cot inverse में से tan inverse x का कन्वर्जेशन ओके okay? हाँ यहाँ पे इक्वल आएगा किसी एक में इक्वल ले सकते हो वह तो मैंने बहुत सारी बार बता दिया था सेमेस्टर वन से बताने बताते आ रहा हूँ मैं कि इक्वल टू जीरो या फिर इक्वल टू साइन हम दोनों में से कोई भी एक कंडीशन में ले सकते हाँ तो कोट इनवर्स में से टेन इनवर्स में जाएंगे तो पॉजिटिव के लिए तो डायरेक्टली बन जाएगा जैसे शेक में बन रहा है सेक का कोस कोस का सेक साइन का कोस एक, एक का साइन वैसे ही यहाँ पे टेन का कोट कोट का टेन बन जाता है विदाउट हैविंग एनी एजिटेशन अगर पॉजिटिव है तो बट नेगेटिव है तो हमको सोचना पड़ेगा तो जैसे यहाँ पे कैसे याद रखा जाए वो एक बार मैं फटाफट से याद करवा देता हूँ अगर टेन इनवर्स का आंसर लाना है क्या लाना है टेन इनवर्स का आंसर तो डेफिनेटली कोर्ट इनवर्स में माइनस पाई कर दूंगा है ना माइनस पाई कर दूंगा कोर्ट इनवर्स एक्स में कोर्ट इनवर्स एक्स में माइनस पाई कर दूंगा और अगर कोर्ट इनवर्स का आंसर लाना है कोर्ट इनवर्स का आंसर लाना है मतलब ये वाला आंसर लाना है तो टेन इनवर्स में मैं प्लस पाई कर दूंगा है ना टेन इनवर्स में मैंने प्लस पाई कर दिया देखो सो डेफिनेटली वी कैन इजिली गेट अवर आंसर यूजिंग द यूनिट सर्कल है ना उसकी पैटर्न या उसकी प्रोसीजर से हम आराम से ये सब पर्टिकुलर पर्टिकुलर फार्मूला भी याद रख सकते हैं है ना इसको मग अप करने की जरूरत नहीं है वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द यूनिट सर्कल उसमें से यहाँ से ऊपर कैसे गए फोर्थ कैंड फोर्थ क्वार्टन में से ये फोर्थ क्वार्डन में आंसर था उसको सेकेंड क्वार्डन में लाने के लिए पाए ऐड किया यहाँ पे इसका आंसर सेकेंड क्वार्टर में था उसको फोर्थ क्वारन में लाने के लिए पाए सब ट्रैक कर लिया बस ये थोड़ा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अगर दिमाग में है तो डेफिनेटली यू विल क्रैक इट ना आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा यू डोंट नीड टू मग अप दिस फॉर्मूला ओके सो ये हो गया सब वन बाय एक्स प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूला दिस इज आइडेंटिटी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू जैसे वहां पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन था आइडेंटिटी में है ना वैसे ही यहाँ पे साइन स्क्वर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू था यह फिक्स है एंड इट इज ऑलवेज डिफाइन डेफिनेटली एक्स कहां पे डिफाइन होता है तो एक्स माइनस वन से वन के बीच में ही डिफाइन होगा है ना जहां पे साइन इनवर्स एक्स खुद डिफाइन होगा वहीं पे ये प्रॉपर्टी डिफाइन होगी डेफिनेटली है ना अगर समझ लो किसी ने ऐसा लिख दिया कि भाई कि समझ लो ऐसा कुछ क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ऑन होल स्क्वायर प्लस फाइव प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस प्लस फाइव इक्वल टू पाई बाई टू देन फाइंड एक्स देखो ये दोनों चीज अगर सिमिलर है ये दोनों चीज सिमिलर है तो पाई बाई टू तो लिख सकते हैं है ना पाई बा टू तो लिख सकते हैं इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं बट यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो है इज़ इट पॉसिबल टू हैव इसकी जो रेंज है वो माइनस वन से वन के बीच में रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि ये माइनस वन से वन के बीच में रहेगी क्योंकि ये देखो एक्स माइनस वन हॉल स्क्वेर हमेशा ही कितना होगा इट इज़ ऑलवेज मोर देन जीरो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसकी रेंज होगी जीरो से इन्फाइनेट जीरो से बड़ा है ना एक्स माइनस वन हॉल स्क्वेर इज ऑलवेज जीरो से इन्फाइनेट फिर अगर मैं दोनों साइड प्लस प्लस फाइव ऐड कर दूँ है ना दोनों साइड में प्लस फाइव एड कर दू तो इसमें फाइव से लेके इन्फाइनेट हो जाएगा मतलब इसकी वैल्यू हमेशा ही फाइव से बड़ी आएगी बट यहां पे क्या बोल रहे हैं भाई साइन इनोस एक्स को डिफाइन होना है या फिर कोसिनोस एक्स को डिफाइन होना है तो वो हमेशा ही माइनस वन के वन के बीच में आना चाहिए है ना सो दिस पर्टिकुलर रेंज दिस पर्टिकुलर रेंज इज नॉट डिफाइन फॉर एनी दिस पर्टिकुलर रेंज इज इन बिटवीन माइनस वन टू वन माइनस फाइव टू इन्फाइनेट वो माइनस वन से वन के बीच में नहीं है ना? तो पांच से बड़ी वाली वैल्यू के लिए साइन इनोसिक्स खुद डिफाइन नहीं होगा सिमिलरली सिमिलरलीस इनसे खुद भी डिफाइन नहीं होगा इट मीन कि ये फॉर्मुला भी डिफाइन होना तो नहीं चाहिए हैंस की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है एक्स की कोई भी वैल्यू में रखो ये पर्टिकुलर फॉर्मुला तो होल्ड होगा ही नहीं दैट्स फाइव इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई एक्स का आंसर एक्स इज नॉट पॉसिबल या फिर क्या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज वन जीरो या फिर बोलते हैं

तो ये तो हमको पता है कि हमेशा ही पाई बाइटू होगा है ना ये तो हमेशा ही यहाँ पे दोनों चीज़ अगर इक्वल है तो ये हमेशा ही पाई बाइटू होगा उसका आंसर बट हाँ अगर मुझे एक्स ही पूछा गया है तो फिर एक्स तो ये होना चाहिए है ना एक्स कहाँ पे तो एक्स हमेशा ही जहाँ पे साइन इनवर्स एक्स एन कॉस इनवर्स एक्स डिफाइन हो उस तरह का एक्स लेना है तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स टू एक्स एन कॉसिनवर्स टू एक्स डिफाइन हो ऐसा एक्स होना चाहिए तो ये कौन सा होगा भाई टू एक्स टू एक्स खुद हो जाएगा माइनस वन से वन के बीच में तो x क्या आ जाएगा भाई x में x बनाने के लिए दोनों साइड टू टू डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू से वन बाई टू तो ये हो गया आंसर है ना ये हो गया अपना आंसर सो बाई दिस वे वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन विच वी नीड x है ना हमको वहाँ पे x चाहिए भाई देट से मैं यहाँ पे x के लिए भी फोकस कर रहा हूँ वो आपको खास ध्यान रखना है x भी आपको साथ में रखना है याद और वो कैसे भी कैसे रखना है मैंने बताया साइन इनवर्स एक्स कहाँ पर डिफाइन होता है जहाँ पे साइन इनवर्स एक्स मतलब एक्स का इनवर्स का डोमेन जहां पर इनवर्स एक्स खुद डिफाइन हो ऐसा एक्स वो कहाँ पे डिफाइन होता है माइनस वन से वन के बीच में मतलब साइन इनवर्स एक्स का डोमेन यहां पे भी इनवर्स एक्स का डोमेन ठीक है सिमिलरली टेन इनवर्स एंड इनवर्स का एडिशन फाई बाई टू यहाँ पे एक्स कुछ भी ले सकते क्योंकि एक्स कुछ भी ले इनवर्स एक्स डिफाइन होता है एंड इनवर्स एक्स भी डिफाइन होता है दैट्स वाई वी कैन टेक एनी एक्स बिलोंग्स टू आर एंड कॉसिनर्स एक्स प्लस सेकंड एक्स इक्वल टू फाई बाई टू वहाँ पे एक्स क्या ले सकते हैं तो ये क्या है भाई ये वही है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू वन यूनियन वन टू इनफाइनाइट इसको अलग लैंग्वेज में लिखा है और कुछ नहीं है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन ऐसे भी लिख सकते हैं ये दोनों चीज इक्वल ही है ये दोनों चीज इक्वल ही है है ना इसका मतलब अल्टीमेटली क्या होता है वन से बड़ा एक्स वन से बड़ा एंड एक्स माइनस वन से छोटा भी होगा माइनस वन से छोटा सॉरी यहाँ पे माइनस वन से छोटा ठीक है सो दिस टू थिंग्स आर इक्वल तो अल्टीमेटली कॉस इनोसेक्स तो यहीं पे डिफाइन होगा मैंने बार बार, बार बताया है कॉस इनोसेक्स या फिर इनवर्स एक्स डिफाइन होने के लिए एक्स क्या होना चाहिए ये वाला सो दैट इज वाई एडिशन ऑफ दिस टू इक्वल टू बाई टू बट इट इज ऑनली पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ एक्स ओके एक्स की ये वैल्यू के लिए ही पॉसिबल होगा और साथ में इसको भी बता दो इसको अगर मुझे ये वाली लैंग्वेज में लिखना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं मोड एक्स लेस देन इक्वल टू वन है ना ये खास याद रखो कि ये दोनों चीज इक्वल है एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन ओके ये दोनों चीज़ यहाँ पर ये दोनों इक्वल है और यहाँ पर ये दोनों इक्वल है तो कोई भी लैंग्वेज में ये वाली लैंग्वेज में लिखे या फिर ये वाली लैंग्वेज में लिखे वी वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इन अ सिमिलर वे ओके फॉर दिस ऑल्सो नेक्स्ट अब क्या करेंगे देखो ओके एंड द लास्ट वन आई थिंक फॉर्मूला के लिए अभी आज के लेक्चर के लिए एडिशन प्रॉपर्टी टेन यूनस एक्स प्लस टेन यूनर्स वाई इक्वल टू टेन यूनर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है ना सब्ट्रैक्शन भी है देखो इसमें ठीक है सो एज यू कैन सी मुझे यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा कंडीशन मुझे चलो यहाँ पे क्रिएट करनी है ओके hmm. okay, हाँ ये फॉर्मूला की पैटर्न देखते हो उसमें उसमें एक और दो चीज़ें नहीं थी जैसे टेन यूनर्स एक्स प्लस टेन यूनर्स वाई में एडिशन के तीन फार्मूला यहाँ पे मैंने दिखाया है डिपेंड्स ऑन कंडीशन उन लोग ने सिर्फ वहाँ पे एक ही कंडीशन दिखाई थी सो बेटर वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द थ्री कंडीशन ओके एंड वन मोर थिंग दैट वी नीड टू कीप इन अवर माइंड दैट हियर एक्स एंड वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव अगर एक्स एंड वाई कुछ नेगेटिव है तो फिर वो नेगेटिव वाला एक्स पहले बाहर निकाल दो नेगेटिव को बाहर निकाल के फिर जो जो बचेगा उसके लिए अंदर तो फिर पॉजिटिव बचेगा समझ लो ऐसा कुछ है ना ये नेगेटिव को हम बाहर निकाल सकते हैं so, ने, तो फिर अंदर क्या बचेगा अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू बचेगी ना ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी और ये पॉजिटिव वैल्यू अगर एक बार है तो उसके लिए इस तरह के पैटर्न के फॉर्मूला है ये चार है बस और उसके सिवा और कुछ है ही नहीं जरूरी नहीं है बस ये चार फॉर्म ने याद रख लिया तो डोंट थिंक सो यू डोंट यू नीड टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मला ऑफ जेडबली ऑल्सो है ना क्योंकि जेडबली वालों ने भी ये सेपरेटली एक्स वाई पॉजिटिव फिर एक्स वाई एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव इस तरह के अलग अलग पैटर्न के फॉर्मुला बनाए बट वट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इज इफ यू नो द ओनली पैटर्न फॉर एक्स एंड वाई पॉजिटिव तो फिर आप कोई भी नेगेटिव वाले भी कन्वर्ट करके नेगेटिव वाले को फिर कन्वर्ट करके पॉजिटिव बना दो आगे नेगेटिव साइन लेके है ना बाहर नेगेटिव साइन आगे ले लो एंड फिर इसके फॉर्म में कन्वर्ट करके यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला है ना यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला ठीक है चलो फार्मूला फटाफट से याद रख लो ये फार्मूला की पैटर्न वही है देखो टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन एक्स टेन वाई आई होप ये फार्मूला याद है आपको तो देखो एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई वही है बस वहाँ पे टेन एक्स वहाँ थे टेन एक्स था यहाँ पे सिर्फ एक्स है है ना कॉमनली ये सबका टेन यहाँ पे आ गया आगे ओके बट दिस फार्मूला कैन बी पॉसिबल ओनली फॉर एक्स वाई लेस देन वन मतलब यहाँ पे समझ लो एक्स वन बाई टू है ये वन बाई थ्री है तो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा वन बाई सिक्स तो पॉसिबल है अगर यहाँ पे समझ लो टू है और यहाँ पे थ्री है देन आंसर इज टू थ्री दैर तो सिक्स लेस देन वन होगा नहीं सो so, मतलब ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा पाए ऐड करना पड़ेगा है ना पाए ऐड करके फिर ये वापस वही फॉर्मूला लगा दो सो जस्ट वी नीड टू एड पाई वेन एवर एक्स एंड वाई का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन वन हो एंड अगर एक्स एंड वाई का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू वन हो तो अगर इक्वल टू वन देन डेफिनेटली इसके इक्वल टू वन हो गया तो ये हो गया क्या वन माइनस वन जीरो सो डिनोमिनेटर में जीरो बाई जीरो इज इनफाइनिट है ना तो अल्टीमेटली टेन इनवर्स ऑफ इन्फाइनिट क्या होता है भाई पाई बाई टू ही होगा ना सो दैट्स आंसर इज पाई टू वन आंसर इज पाई बाई टू

तो ये फॉर्मुला याद रहना चाहिए और बेस्ड ऑन दिस वी नीड टू सॉल्व सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन मेनी चलो आगे बढ़ते हैं ओके लेट्स कपल ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्पल थ्री सो दैट फर्स्ट वन ये हमको प्रूव करना है ठीक है हमको प्रूव करना है तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करेंगे हम ओके okay, तो फिर प्रूव कैसे करें तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन इन्वेस्ट इकोनोमेट्री में जब भी प्रूव करने हो ना तो सबसे पहले हमको एक्स एज्यूम कर लेना है लेट एक्स इक्वल टू वट तो ऑलमोस्ट नाइन्टी फाइव परसेंटेज क्वेश्चन में हम एक्स एज्यूम कर लेंगे ठीक है ना एक्स एज्यूम करेंगे तो फिर कैसा एज्यूम करेंगे सो वी ऑलवेज नीड टू एज्यूम एक्स इन सच वे दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स दिस कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स कुड भी कन्वर्टेड इन टू द फॉर्मूला फॉर्मेट अगर मैं एक्स इक्वल टू यहाँ पे समझ लो साइन थीटा ले लूँ तो अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ये हो गया सिंपल सा फॉर्मेट देखो टू साइन थीटा और ये जो है स्क्वायेर है तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर फिर मोड ऑफ थीटा का फॉर्मेट बनेगा मतलब ये की कुछ पैटर्न तो बन गई है ना सो वी नीड टू वी नीड टू दिस एक्स इन सच अ वे सो दैट इट कुड बी कन्वर्टेड इन टू द फॉर्मूला अब कोई बंदा बोलेगा सर वो तो फिर कैसे सोचे तो प्रैक्टिस से सोचे है ना थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा भी हाँ और एज्यूम भी क्या करना होता है मोस्टली साइन थीटा या फिर थीटा या फिर टैन थीटा साइन थीटा थीटा दोनों में से एक कर सकते हो टेन थीटा या फिर कोर्ट थीटा एंड सेक्ट थीटा या फिर कौश थीटा ये तीनों में से कोई एक एज्यूम कर लो चल जाएगा बस ऐसा एज्यूम करो ऐसा एज्यूम करो ताकि ये मोस्टली अंडर रूट वाला टर्म निकल जाए तो समझ लो यहाँ पे अंडर रूट वाला टर्म निकालने के लिए अगर मैं टेन लेता हूँ तो फॉर्मूला बनता है क्या वन माइनस टेन्स करके तो कोई फॉर्मूला नहीं है अगर वन प्लस होता तो फॉर्मूला बन जाता है ना तो मतलब ये टेन तो नहीं ले सकता फिर सेक लेता हूँ तो हो जाता है क्या तो एक्स की जगह मैं सेक लेता हूँ तो वन माइनस सेक्स पर थीठा होगा अगेन सेक्सक्वेर थीटा का भी कोई फॉर्मूला नहीं है सेक्स स्क्वेयर थीटा माइनस वन होगा तो फॉर्मूला होगा सो so डेफिनेटली ये भी पॉसिबल नहीं है तो हैं यही बचा है ना बस आपको यही सोचना है हर एक क्वेश्चन में कि भाई साइन लू टेन लू या फिर सेक्स थीटा ले लूँ ठीक है तो आपने यहाँ पे साइन थीटा पसंद किया तो ये ऑटोमेटिक अंडर रूट से निकल गया ओके okay? सो so अब जैसे ही ये मैंने यहाँ पे एक्स इक्वल टू साइन थीटा एक्जूम किया तुरंत ही मैं क्या करूँगा थीटा को सब्जेक्ट बना लूंगा तो थीटा इक्वल टू क्या होगा ये साइन इस तरफ आएगा तो क्या लिख सकते हैं हम याद है ना साइन इनवर्स एक्स ठीक है तो चलो ऐसा पहले थीटा को एक्म कर लिया थीटा को सब्जेक्ट बना लिया एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू राइट फर्स्ट ओके अब मुझे पहले जैसे मैंने थीटा के फॉर्मेट में सब कुछ ले लिया एक्स से मैं थीटा के फॉर्मेट में जा रहा हूँ तो जो उसने कंडीशन भी दी है एक्स की उसको भी मुझे थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी सो लेट मी कन्वर्ट होल कंडीशन इन टू फॉर्म ऑफ थी थीटा यस थीटा तो यहाँ पे उन लोग ने कंडीशन एक्स के फॉर्म में दी है सो लेट्स पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा एक्स की जगह में साइन थीटा ले लेता हूँ ठीक है चलो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मेट बना दिया आई शुड हैव टू थिंक दैट ये भी साइन के फॉर्मेट में बना दू इसको भी साइन के फॉर्मेट में बना दू तो, तो अच्छा है ये माइनस वन बाई रूट टू तो आराम से आइडिया आ जाएगा ना भाई बाई फोर की वैल्यू है और ये तो फिर अगर ये साइन फाइव बाई फोर की वैल्यू है ना फोर्थ क्वार्टर में अब अगर मुझे एक साथ में थी साइन कैंसिल करना हो तो कर सकता हूँ एक साथ में साइन निकालना चाहता हूँ तो निकाल सकता हूँ वहां पे कंडीशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि साइन थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन वो इंक्रीजिंग फंक्शन है भाई कहां पे? इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव बाई टू से फोर्थ एंड फर्स्ट क्वार्टर फोर्थ एंड फर्स्ट क्वार्टर ठीक है ना याद हो तो याद याद या करवा दो एक बार मैं फटाफट से ये जीरो होगा साइन यहां पे वन होगा और यहां पे साइन माइनस वन होगा तो यहाँ से साइन यहाँ से इस तरफ जाएगा तो साइन बढ़ रहा है देखो माइनस वन से बढ़ते बढ़ते जीरो हो गया एंड जीरो से बढ़ते, बढ़ते बढ़ते वन हो गया है ना सो so ये पूरे फोर्थ एंड फर्स्ट क्वार्टर में साइन थीटा क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन को डायरेक्टली निकाल दिया है ना साइन को निकाल के माइनस बाई बाय फोर लिख दिया यहाँ पे थीटा लिख दिया और यहाँ पे बाई बाई फोर लिख दिया अच्छा अगर यहाँ पे साइन डिक्रीजिंग होता तो तो अगर डिक्रीजिंग होता

साइन थीटा है कुछ भी कोई दूसरा फंक्शन ले लेते हैं समझ लो यहाँ पे से कॉस ले लेता हूं बराबर कॉस एक्स तो कॉस एक्स से समझ लो कॉस फाइव बाई फोर से कॉस यहां पे लेता हूँ फाइव बाई थ्री बराबर तो जैसे ये अपने को पता है कि भाई फाइव बाई फोर से लेके पाई बाई थ्री तक ये पर्टिकुलर एरिया में कॉस क्या होगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो ये फर्स्ट क्वारन में कॉस क्या होता है भाई फर्स्ट क्वारन में कॉस होता है वन से जीरो मतलब डिक्रीज हो रहा है तो फर्स्ट क्वार्टर में कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है तो मुझे ये कॉस्ट कॉस्ट निकालने के टाइम यहाँ पे मैं जब भी फाइव बाई फोर एक्स एंड फाइव बाई थ्री लिख रहा हूँ तब मुझे ये इक्वलिटी चेंज कर देनी है है ना ये इक्वलिटी चेंज कर देनी है ठीक है तो जब भी फंक्शन डिक्रीजिंग दिखे इन चेंज करो इंक्रीजिंग दिखे इन इक्वलिटी एज इट इज रखो ओके ये सब रूल्स मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि एक बार मैंने रूल्स सब देखा दिए समझा दिए तो बार बार ये सब चीज़ें मुझे हर बार डिटेल्ड में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी है ना सो so, पहली बार मैं बराबर से समझ लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन कॉल मी यू कैन मैसेज मी व्हाट्सएप मी एनी टाइम है ना कभी भी तो फिर यहाँ तक हमने लिख दिया यहाँ तक हमने क्वेश्चन को डायरेक्टली टच नहीं किया अभी पहले हमने सिर्फ इसको देख के एक्स एज्यूम कर लिया एंड इसको देख के मैंने एक्स की कंडीशन थीटा के फॉर्म में लिख ली ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब मैं एलएचएस में स्टार्ट करता हूं एलएचएस इक्वल टू क्या है भाई साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है चलो एक्स की जगह वैल्यू रख देते क्या रखनी है भाई एक्स की जगह साइन थीटा साइन थीटा एक्जूम किया ना हमने अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है चलो साइन इनवर्स ऑफ टू साइन थीटा इन टू ये क्या होता है पता है ना ये कॉस्क्वायर थीटा चलो एक स्टेप और लिखते हैं अंडर उ वन माइन साइंस के मतलब कॉस्क्वायर तो अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना यहाँ से क्या लिख देते हैं है यहाँ से ये वाली चीज़ लिख देते हैं कॉस् थीटा ऐसा लिख देते हैं तो ये एक्चुअल में अभी तो सही है फिलहाल ये कंडीशन के लिए पर हर एक बार सही हुआ ऐसा ज़रूरी नहीं है डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन यहाँ पे एक्चुअल में ये सही होगा बट हमेशा ही हमको ऐसा डायरेक्टली नहीं लिखना है हमको ऑलवेज यहाँ पे अंडर उट ऑफ समथिंग इज ऑलवेज नीड टू पुट मोड एक्स हमको ऑलवेज उसको कहाँ क्या करना है भाई मोड में एक्स लिख देना है भाई स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके हमेशा ही जो एक्स बचेगा उसको एक्स को मोड में रखना है क्योंकि उसका रीजन क्या है भाई क्योंकि अंडर रूट का आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आता है इसलिए हमेशा ही उसको पॉजिटिव मोड एक्स ही रखो तो ये मोड कॉस्टा रख दिया मैंने है ना स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल हो गया तो कोस थीटा बचा एंड थीटा भी कैसे रखा है मैंने मोड में ठीक है ओके बट यहां पे फिर अभी कॉस् थीटा मोड में है तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना सो हियर मोड थीटा इक्वल टू पॉजिटिव कॉस् थीटा बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू माइनस फाइव बाई फोर से फाइव बाई फोर ओपन इंटरवल नहीं है ये कौन सा है क्लोज इंटरवल है भाई यहां पे कहाँ लिखा है भाई ये रहा थीटा जो है वो फोर्थ एंड फर्स्ट क्वारन में है एंड फोर्थ एंड फर्स्ट क्वारन में हमको पता है कि कॉस क्या होता है भाई फोर्थ एंड फर्स्ट क्वारन में कॉस हमेशा ही पॉजिटिव रहता है यहाँ पे भी कॉस क्या रहता है पॉजिटिव ऑल एस टी सी रूल्स के हिसाब से याद हो तो अच्छी बात है नहीं याद हो तो याद रख लो ये कॉस मीन्स कॉस थीटा एंड सेक्ट थीटा तो यहाँ पे भी कॉस पॉजिटिव और यहाँ पे तो हमेशा ही सब कुछ पॉजिटिव है सो डिपेंड्स ऑन दैट फोर्थ एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस् थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव हैंस मोड थीटा को मैंने पॉजिटिव थीटा लिख दिया अब फाइनली वापस वही चीज जो एल एच एस में थी वही एल एच एस इक्वल टू क्या था साइन इनवर्स ऑफ टू साइन थीटा इन टू ये मोड थीटा बन गया पॉजिटिव थीटा सो वॉट वी कैन राइट हियर साइन इनवर्स ऑफ टू साइन थीटा थीटा ठीक है अच्छा टू साइन थीटा थीटा को ये तो था ऑलरेडी तो उसको डायरेक्ट वही क्यों लिखना है अलग लिखो टू साइन थीटा मतलब साइन टू थीटा? ये तो पता है फॉर्मूला अच्छा अब ये ये फॉर्मूला दिखाया तो नहीं है बट ये याद तो होना चाहिए आपको पता होना चाहिए बट एक्स क्या होगा यहां पे दिस एक्स शुड बी वॉट तो ये एक्स हमेशा ही साइन इनवर्स एक्स का आंसर यहां पे होगा ना एक्स मीन्स वॉट कि यह साइन एक्स का आंसर ये साइनिनोस एक्सेंस अल्टीमेटली ये साइन कैंसिल से कहाँ के बीच में आना चाहिए तो एक्स हमेशा ही साइनिनोस एक्स का आंसर है तो साइनिनोस एक्स का आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में है तो वो हमेशा ही माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू के बीच में होगा सो इफ यू वॉन्ट टू राइट दिस फॉर्मूला इफ यू वॉन्ट टू राइट दिस फॉर्मूला वी ऑलवेज से दिस एक्स इज इन बिटवीन माइनस फाइव बाई टू टू फाइव बाई टू

माइनस फाइव बाई टू से पाई बाई टू हो गया देखो है ना ये जो टू थीटा है ये टू थीटा हो इसके बीच में आ गया ये जो एक्स है वो माइनस फाई बाई से पाई बाई के बीच में मतलब ये साइन के अंदर जो भी है वो माइनस फाइव बाई से पाई बाई के बीच में आना चाहिए ओके वेल well, ये सब चीज़ आप एग्जैक्टली डायरेक्टली रीजन में लिख सकते हो ऐसे है ना आप इस तरह के फॉर्मेट में लिखोगे तो थोड़ा ये अच्छा दिखेगा है ना साइन इनवर्स साइन कैंसल एंड टू थीटा बचेगा बट दैट टू थीटा कब आएगा तो वो टू थीटा इसी की वजह से आया क्योंकि वो टू थीटा ये जो टू थीटा है वो इसके बीच में है इसीलिए लिखा मैंने अदरवाइज आई कैन नॉट राइट वैसे देखने जाए तो गुजरात बोर्ड के मतलब एनसीआरटी बुक में सी की जो बुक है अपनी एनसीआरटी की उसमें हर एक क्वेश्चन में ये सब कुछ सेटिस्फाई हो जाएगा मतलब हर एक क्वेश्चन में ये कंडीशन ऑटोमेटिकली साइन इनवर्स की रेंज या फिर यहाँ पे अगर इनवर्स है तो इनवर्स की रेंज वो सब बन जाएगा ऑटोमेटिकली क्वेश्चन ही ऐसे बनाए गए हैं एक आध क्वेश्चन में भी छोड़ के है ना अगर नहीं आ रहा है तो फिर हमको दूसरे तरीके अजमाने पड़ेंगे डेफिनेटली वी विल स्टडी इन जे डब्ल्यू पोर्शन है ना अगर ये टू थीटा जो है वो इसके बीच में नहीं आ रहा है माइनस से सिप आबाइटो के बीच में नहीं आ रहा है देन डेफिनेटली वी नीड टू कैलकुलेट इन अनदर वे दूसरे तरीके से यहाँ पे आंसर बनाना पड़ेगा दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन ओके अभी तो फिलहाल इतना याद रखो कि ये साइन ऑफ साइन कैन बी कैंसल कैंसल हो सकता है एंड टू थीटा आंसर बन सकता है बट फॉर दैट दिस टू थीटा शुड बी इन बिटवीन दिस रेंज ओके अब थीटा इक्वल टू तो क्या है भाई थीटा तुमने ऑलरेडी एज्यूम किया है साइन इनवर्स x रख लो यहाँ पे तो हो गया फाइनली आंसर क्या 2 इन साइन इनवर्स x विच इज इक्वल टू आर एच एस एज यू कैन सी आर एच एस वही है 2 साइन इनवर्स x. ठीक है तो फर्स्ट हो गया अब सेकंड देखते हैं चलो सेकंड में क्या करना है सेकंड में भी सिमिलर तरीका ओके एक्स पहले एज्यूम करना है अच्छा एक्स एज्यूम करने में दिक्कत क्या होती है मैंने क्या बताया एक्स को क्या क्या लेख सक सोच सकते हैं साइन थीटा या फिर टेन थीटा या फिर सेक् थीटा हम ये तीनों में से सोच सकते हैं मैंने वो तो वो टाइम भी बताया था कि साइन थीटा या फिर कोस थीटा सोच सकते हो टेन थीटा या फिर कोट थीटा सोच सकते हो एंड सेक् थीटा या फिर कोसैक् थीटा सोच सकते हो जब इस तरह का फॉर्मेट हो तो डेफिनेटली साइन या फिर कोस जब इस तरह का फॉर्मेट हो तब टेन या फिर कोस्ट एंड जब इस तरह का कोई फॉर्मेट हो तो डेफिनेटली सेक या फिर इसको नोट करके लिख लेना भाई कि कब क्या एज्यूम कर सकते हैं ठीक है ठीके? अब यहां पे मैं कौन सा एज्यूम करूं ताकि फायदा फायदा हो या फिर तो डेफिनेटली यहां पे करने से होता है क्योंकि मेरा फाइनली आंसर कॉस्ट इनवर्स में लाना है है ना जैसे अगले वाले क्वेश्चन में यहां पे टू थीटा भी ना था तो फिर थीटा इक्वल टू डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स एज्यूम किया था वो लिख लिया तो वैसे ही यहां पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना तो डायरेक्टली टू थीटा ही बनेगा लास्ट में इस तरह के फॉर्मेट से अब थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स अगर ये एज्यूम किया है तो लिख सकते हैं तो बेटर है कि अगर आर एच एस में इस तरह की, की तो फॉर्मेट है ना जैसे यहां है उसको देख के मैंने सोचा किस्थिटाइज करू तो कोस्थीटाइज करने से फायदा होता है इट ड मीन दैट साइन थीटाइज करने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बट हाँ डेफिनेटली साइन थीटाइजूम करने से यह क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा और यहां पे जो मैंने सिचुएशन बताई थी ना वो टू थीटा की जो बाहर चलने वाली रेंज थीटा टू थीटा बिलोंग्स टू माइनस उसके बाहर निकल जाएगा ऐसा हो सकता है वो वाली कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होगी इफ वी एज्यूम दिस एक्स इक्वल टू साइन थीटा डेफिनेटली अभी वो फिलहाल छोड़ दो उसको तो वैसे अलग से डिटेल में समझना पड़ेगा अगर बाहर रेंज चली जा रही है तो फिर कैसे सॉल्व किया जाए है ना सो लेट्स एज्यूम एक्स इक्वल टू कॉस्थीटा सो so, x इक्व टू कॉस थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई कॉस इनवर्स x है ना ये कॉस इस तरफ चला जाता है तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा ओके okay. अब नेक्स्ट के नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हियर अब थीटा के फॉर्म में सब कुछ कन्वर्ट करना है ये तो अलग अच्छे सारे चीज बाद में जाते हैं पहले सब कुछ x से थीटा के फॉर्म में ले रहे थे तो ये कंडीशन को भी पहले थीटा के फॉर्म में ले लो वन बाई रूट टू से वन है ईयर एक्स इज इन बिटवीन वन बाई रूट टू से वन देन डेफिनेटली एक्स की जगह पहले मुझे रिप्लेस कर देनी है ये वाली वैल्यू ठीक है यहाँ पे एक्स की जगह कॉस्ट थीटा लिख लूँ दैट इज इक्वल टू वन अब वन बाई रूट टू मतलब कॉस फाइव बाई फोर होता है हाँ होता है ये कॉस्ट थीटा एज इट इज और वन कब आता है भैया कॉस ज़ीरो वन है ना कॉस जीरो वन अब अगर मैं थीटा को अगर मैं कॉस कॉस्ट कब को एक साथ में रिमूव करने की कोशिश करूँ वैसे ऐसे ऐसे कभी भी कैंसिल मत करना एग्जाम में वी कैन नॉट कैंसल इट लाइक दिस वी आर रिमोविंग कॉस एट ऑल द थ्री साइड ऐसा सोच सकते हैं ऐसा भी बोल भी नहीं सकते कि हम रिमोव कर रहे हैं एक्चुअल में बोलना भी हो तो ऐसा बोल सकते हैं कि वी आर अप्लाइंग कॉस इनवर्स एट ऑल द साइड मैं सभी जगह एक साथ में कॉस इनवर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो इसको कॉस इनवर्स अप्लाई करने पर कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाता है इसको कॉस इनवर्स अप्लाई करने पर कॉस इनवर्स कॉस कैंसल और यहाँ पर भी कॉस इनवर्स कॉस कैंसल अगर बोलना भी हो तो ऐसा बोलना बोला जाता है कभी भी कट नहीं कर सकते या फिर रिमूव नहीं कर सकते ये दोनों में से कोई एक चीज बोली भी नहीं जाती और लिखी भी नहीं जाती है ना मैथमेटिकली तो अगर मैं सिर्फ समझने के लिए ऐसा सोच लू कि मैंने चलो कोस कोस को एक साथ में दूर कर दिया तो बचा क्या फाइव बाई फोर बचा क्या फाइव बाय फोर यहां पर थीटा और यहां पर जीरो बट मैंने बताया था क्या कि इक्वलिटी कौन सी लेनी है इनक्वलिटी कौन सी लेनी है इक्वल जो है वो वही लेनी है डायरेक्टली या फिर चेंज करनी है देट इज डिपेंड्स ऑन कोस्थिटा कोस्थिटा इज डिक्रीजिंग फंक्शन भाई कोस्टिटा डिक्रीजिंग फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कोस्थिटा के बारे में डिस्कस की भाई कि कोस्टिटा यहां पर क्या है वन है यहां पर जीरो है तो कोस्टा क्या है भाई डिक्रीज हो रहा है अगर कोसीटा डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली वे नू चेंज दाइन है ना अब फाइनली हम कैसे लिख सकते भाई ये जीरो पीछे वाला जीरो मैंने आगे कर दिया ठीक है पीछे वाला जीरो आगे कर दिया एंड आगे वाला जो पाई बाय फोर था उसको पीछे लिख दिया तो ये पूरी की पूरी इनिक्विलिटी उल्टी हो गई मतलब जीरो से बड़ा थीटा उससे बड़ा पाई बाय बाईर वही लिखा है देखो यहां पे जीरो से बड़ा थीटा उससे बड़ा पाई बाय पाए जस्ट रिवर्स द ऑर्डर हमने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया सब कुछ एक साथ में सो so फाइनली मुझे थीटा ये वाला मिला ठीक है नाउ थीटा एक बार मिल गया उसके बाद चालू करते हैं एल से सो लेट मी स्टार्ट विद एल ठीक है एल एच एस इक्व टू एक्स अंडर माइनस एक्स स्क् एक्स की जगह मैंने क्या एज्यूम किया थीटा अंडर रूट ऑफ वन माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू टू इंटू थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ साइन थीटा और आपको ये तो याद ही है कि अंडर रूट ऑफ साइन थीटा लिखा जाएगा है ना एंड दैट विल बी इक्वल टू प्लस साइन थीटा या माइनस साइन थीटा तो आई थिंक नहीं हंड्रेड परसेंट साइन थीटा पॉजिटिव आएगा क्यों यहाँ पे साइड में रीजन भी लिख देना है साइन थीटा इक्वल टू मोड साइन टू पॉजिटिव साइन थीटा थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाइव फोर थीटा कहां पे है फर्स्ट क्वार्टर में है देखो तो फर्स्ट क्वार्टर में ना सो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ साइन ना फर्स्ट क्वार्टर में है इसलिए मोड साइन थीटा इक्वल टू पॉजिटिव साइन थीटा लिख दिया नाउ दिस इज इक्वल टू टू साइन थीटा को थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा चैसा अब मेरे ख्याल से मैंने एक साथ में एक बड़ी सी मिस्टेक कर ली क्या मिस्टेक की ये सभी जगह मुझे साइन इनवर्स ऐसा लिख के रखना था है ना क्वेश्चन में ऐसा है देखो साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स अंडर वन माइनस एक्स का तो मुझे सभी जगह साइन इनवर्स लिख लिख के रखना है चलो लिख देता हूँ मैं पहले ठीक है अब ये लिख दिया मैंने साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स सभी जगह आगे वही था बाकी सब कुछ प्रोसीजर एज इट इज अब साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा इक्वल टू टू थीटा लिख सकता हूँ क्या तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा साइड में रीज़न देख लेता हूं मैं पहले लिख दिया चलो या फिर एक काम करो आप ये रफ में भी सोच लो पहले कि टू थीटा कहाँ पे है कहाँ पे होना चाहिए टू थीटा पता है ना टू थीटा शुड बी इन बिटवीन माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू के बीच में रहना चाहिए भाई ये इसके अंदर रहना चाहिए इसके अंदर रहना चाहिए एक्जैक्टली ये आए उससे कोई मतलब नहीं है ऐसा भी आ जाए समझ लो माइनस फाइव बाई फोर से लेकर जीरो भी आ जाए तो वो इसके अंदर है है ना तो मतलब इसके अंदर रहना चाहिए टू थीटा तो देखते यहाँ पे टू थीटा क्या है यहाँ पे थीटा क्या है थीटा जो है वो जीरो से पाई बाई फोर है सो डेफिनेटली टू थीटा क्या होगा तो टू टू मल्टीप्लाई कर लो जीरो का मल्टीप्लीकेशन टू के साथ जीरो एंड पाई बाई फोर इन टू दैट इज पाई बाई टू तो यस है ना टू थीटा जो है वो माइनस फाइव बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ही है अंदर ही है दैट्स वाई आई कैन राइट टू थीटा डायरेक्टली ओके okay? अब थीटा इक्वल टू तो क्या है भाई फाइनली थीटा इक्वल टू तो कॉस इनवर्स एक्स वो तो हमने पहले ही लिख लिया था क्स दर एच एस है इस, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ये लास्ट के दो क्वेश्चन को वैसे भी डिटेल में समझाने की कोशिश की है उसका एक ही रीजन है कि आपको एक बार लिखने की पैटर्न पता चल गई कि कैसे लिखना है पहले x assume किया फिर कन्वर्ट किया थीटा के फॉर्म में कंडीशन को एंड देन एल एच एस से स्टार्ट किया फिर वैसे उसमें कैलकुलेशन करते करते टाइम जब भी कोई रीज़न लिखने की जरूरत पड़े मोड निकालने के लिए रीज़न की जरूरत पड़ेगी एंड लास्ट में ये इनवर्स साइन को कैंसिल करने के टाइम ये टू थीटा लिखना है तो टू थीटा भी कहाँ पे होना चाहिए तो इनवर्स की रेंज में और इनवर्स की रेंज क्या है माइनस पाए बाई टू से पाए बाई टू तो वो उसके अंदर आना चाहिए टू थीटा एनी हाउ तो डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन ये कंडीशन जो बनाई उसका यही लॉजिक है कि वो कंडीशन से हम ये चेक कर सके तो ये चेक कर लिया एंड बेस्ड ऑन दैट आई हैव रिटन टू थीटा एंड देन आफ्टर अगेन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स ऐसा छोड़ के फिर आर में बना सकता हूँ सो बेस्ड ऑन दिस लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन विल बी सॉल्व है ना इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन है ये चैप्टर में हम सॉल्व करेंगे है ना चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि अब आगे मैं ज्यादा सॉल्व नहीं करवाऊंगा वैसे भी लेक्चर बड़ा हो गया है ठीक है चलो थैंक यू वेरी मच दोस्तों